गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ची फाउंडेशन वर्सेस एक्सपेंसिव फाउंडेशन। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सो या मैंने पार्टीशन कर लिया, तो इस तरह हम लगाने वाले चीप और इस तरह लगाने वाले हम एक्सपेंसिव। सो ज़्यादातर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये है 90 रुपीज़ का एंड ये है 750 रुपीज़ का। बेसिकली हम जो चीप के लिए यूज़ करने वाले हैं वो ब्लू हेवन का फाउंडेशन है एंड जो हम एक्सपेंसिव के लिए यूज़ करने वाले हैं वो है मेबली सुपरस्टे फाउंडेशन। सो अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर शेड अवेबिलिटीज़ कितनी हैं। तो इसके अंदर जो चीप वाला है उसके अंदर है 2 शेड्स एंड जो एक्सपेंसिव वाला है उसके अंदर है 7 शेड्स अवेबिलिटी। सो ऑफकोर्स इसमें ऑफकोर्स एक्सपेंसिव वाला विन करता है इस पॉइंट पे। नाउ हम बात करते हैं पैकेजिंग की। सो दोनों ही यू नो जो एक्सपेंसिव और चीप हैं दोनों ही ग्लास बॉटल की हैं। बट ऑफकोर्स इसकी जो हमारी जो चीप वाली की पैकेजिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज ये कुछ ऐसे चीप क्वालिटी के यू नो स्पैचुला के साथ आता है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसका फाउंडेशन का शेड है एज यू कैन सी वो बहुत ज़्यादा यू नो ऑरेंज अंडरटोन में है। सो या ज़्यादा फ्रेग्रेंस की बात की जाए इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है। पैकेजिंग की बात की जाए हमारे एक्सपेंसिव वाले की वो कुछ ऐसे पंप एप्लीकेटर के साथ आता है। सो आप उसे इजीली अपने हैंड के पीछे लेके इसे डॉट फॉर्म में लगा सकते हैं। और ज़्यादा बात की जाए इसके अंदर फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप बेयर नहीं कर सकते। वैसे ब्लेंड करके देखते हैं और देखते हैं कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है। एज यू कैन सी जो एक्सपेंसिव वाला शेड है वो मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छी तरह से मैच कर रहा है और जो यू नो जो चीप साइड वाला है उसका जो यू नो कलर है जो शेड है वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज अंडरटोन में है। सो देखते हैं ब्लेंड करके। ओके सो ये ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से हो रहा है पर इसकी कवरेज कुछ भी नहीं है। अब हम ब्लेंड करते हैं इसे एंड सो एज यू कैन सी जो ये वाला फाउंडेशन है वो मेरी स्किन में अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ है एंड इसने मेरे स्किन टोन के हिसाब से मुझे कलर शेड दिया है एंड ये बहुत नेचुरल लग रहा है जबकि ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। एंड एट द सेम टाइम जो हमने चीप वाला यूज़ किया था जो कि हमारा ब्लू हेवन का था उसने मेरे जो स्किन टोन है उसमें यू नो ज़्यादा कवरेज तो नहीं है ऑफकोर्स बट इसने मेरे स्किन टोन पे एक अच्छा यू नो एक ऑरेंज सा शेड छोड़ दिया जो कि बिल्कुल भी नेचुरल अच्छा नहीं लग रहा है। एंड एवरीथिंग इन ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से मेबलिन जीतता है। बट अगर आपने ये दोनों फाउंडेशन यूज़ किया है तो आपको ज़्यादा कौन सा पसंद है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा एंड आई होप यू लाइक मे वी